हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ अलग अलग टाइप के स्टैंड्स देखेंगे। अभी मैं आपको वर्टिकल स्टैंड दिखा रही हूँ, हॉरिजॉन्टल भी दिखाऊंगी, बहुत तरीके के स्टैंड दिखाऊंगी। ये एक वर्टिकल स्टैंड है जो आप यूज कर सकते हो सेव करने के लिए स्पेस, स्पेशली कॉर्नर में, और ये काफी सारे गमले अकोमोडेट हो जाते हैं। जो ये वाला मैं दिखा रही हूँ, इसमें 5 गमले बहुत अच्छे से अकोमोडेटेड है और बहुत बैलेंस बना हुआ है। वो आप भी कर सकते हैं, राइट साइज के गमले ऑपोजिट रखे तो ये बैलेंस एकदम रहेगा। और इसमें देखिए कितने अच्छे से प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, और थोड़ी स्पेस में 5 गमले आ गए। अगर और टॉल होता है तो ये और भी गमले आ जाते हैं इसमें, मगर मैंने बस इतना ही हाइट ली हुई है। चलिए और भी टाइप के हम लोग कुछ गमले देखते हैं। और इसका बेस देखिए काफी चौड़ा और स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये सारे प्लांट्स बहुत स्ट्रॉन्ग स्टडी स्टैंड पे खड़े हुए हैं। एक और वर्टिकल स्टैंड है, ये साइज में बहुत छोटा है और इसमें 4 ही खाली पॉट्स आए हैं, और थोड़े छोटे साइज के हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टडी है, बेस इसका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये कम स्पेस में बहुत सारे पौधे आ गए, देखिए कितने प्रिटी लग रहे हैं। हर पौधा अलग से भी नज़र आ रहा है क्योंकि इनको अल्टरनेट दिया हुआ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक ऐसे यहाँ है और ये लास्ट वाला यहाँ। तो ये स्टैंड पे जितने भी पौधे हैं, चारों पौधे अलग नज़र आ रहे हैं। आप इनका कलर कॉम्बिनेशन अलग ले सकते हैं ताकि इनमें बहुत कलर है स्टैंड में। अब दूसरे टाइप का एक और स्टैंड देखते हैं। सिंगल स्टैंड्स भी बहुत ज़रूरी हैं गार्डन में। ये देखिए एक सिंगल स्टैंड है और इसमें एक मैंने शैलो कंटेनर लगाया हुआ है, और ये शैलो कंटेनर में मैंने कॉम्बिनेशन प्लांट्स लगाए हुए हैं, पर्पल और ग्रीन, और ये स्टैंड के ऊपर है सिंपल। ये दिखे तब भी ब्यूटीफुल लगता है, और खाली ये रखा हुआ गमला, इसमें ट्रेल करते हैं ये सारे प्लांट्स, तो ये वैसे ही बहुत खूबसूरत लगता है। चलिए और देखते हैं सिंगल स्टैंड्स। सिंगल स्टैंड आपको बहुत तरीके के मिलते हैं। ये तो घड़े का एक स्टैंड है, स्टेनलेस स्टील का, ये 200 रुपीस का मिला है मेरे को, और इसमें मैंने जेड रखा हुआ है और ये भी ट्रेल कर रहा है तो बहुत प्रिटी लगता है। स्टैंड के एडवांटेजेस भी बहुत होते हैं, सफाई करना इजी है इसके नीचे, इसके अलावा प्लांट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ड्रेनेज इससे बहुत अच्छा रहता है। एक और देखिए, ये एक और घड़े का स्टैंड है जो कि बहुत टॉल है, और इसमें कोई ट्रेलिंग वाइन लगाते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। अभी मैंने इसमें बोट प्लांट रखा हुआ है जो गमले में एकदम भरा हुआ है। सिंगल स्टैंड के और डिज़ाइंस दिखाती हूँ। ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट में एक सिंगल स्टैंड में एक गमला रखा हुआ है, और इसमें ये मनी प्लांट के स्टेम्स ट्रेल कर रही हैं। कुछ छोटे स्टैंड्स होते हैं, हल्के वाले, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स एकोमोडेट हो जाते हैं थोड़ी सी जगह में, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ये हल्का स्टैंड है, खाली 2 लेवल का है, तो मैंने इसमें बहुत कम पौधे रखे हुए हैं और थोड़े छोटे। देखिए जितने भी गमले हैं वो थोड़े छोटे साइज के मिलेंगे आपको, और यहाँ पर भी देखिए ये छोटे हैं सारे। ये एक और स्टैंड है, ये भी हल्का है और इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे गमले हैं। देखिए ज़्यादा बड़े साइज के गमले नहीं हैं, बस छोटे छोटे सेरेमिक के हैं, कुछ अर्दन पॉट्स हैं, मगर छोटे हैं। अब दिखाती हूँ एक स्टैंड जो बहुत भारी है, और ये मैंने टेलर मेड करके फैब्रिकेटर से बनाया है। ये बहुत महंगा बना था, ये 3,000 रुपये का बना है। कुछ साइज में भी बड़ा है, हैवी भी है। इसमें आप बड़े भारी गमले रख सकते हैं, हालांकि मैंने इतने भारी गमले इसमें नहीं रखे, बहुत सारे प्लांट्स रखे हैं मगर भारी नहीं है। इनका डेप्थ भी ज़्यादा है क्योंकि देखिए कईयों में तो मैंने 2-2 गमले आगे पीछे रखे हुए हैं। रेडीमेड जो स्टैंड्स होते हैं वो आपको सस्ते मिल जाते हैं, वो 1,000 रुपये में बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे, 600 रुपये में भी मिल जाते हैं कई। तो
सिंगल स्टैंड आपको 4-4, 5-500 रुपए में भी मिल जाएंगे। ये भी कुछ प्लांट्स रखने के बहुत काम आता है। ये बहुत हैवी और बहुत बड़ा स्टैंड है, इसमें 3 लेयर हैं, बहुत हैवी है। ये भी टेलर मेड है, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव बना हुआ है। इसमें देखिए कितने सारे पौधे लगे हुए हैं एक साथ, और इसके नीचे क्लियरेंस भी अच्छी है, तो नीचे से सफाई रहती है, सब क्लीन रहते हैं। प्लांट्स में से ड्रेनेज भी बहुत बढ़िया है। स्टैंड में पानी देना भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ओवर वाटरिंग होती नहीं है, तो आप आराम से डाल सकते हैं खूब अच्छे से पानी। शावर करें, पानी डालें, प्लांट्स भी इंजॉय करते हैं और आपके लिए भी बहुत इजी हो जाता है। अगर आपको और भी प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।